इनके 4 बजे से 6 बजे की बैच होती है। एक सीन मैंने दिया था उनको जिसमें सरप्राइज मोमेंट है, तो वो कैसे लेके आनी है उस पर हम लोगों ने काम किया है। लेकिन इन 2 स्टूडेंट्स को लेके कुछ बातें मैं आपको भी समझाऊंगा, तो देखते ही लाइव क्लास रेडी। इस क्लास में स्टूडेंट्स क्लैप देते हैं, लाइट्स लगाए जाते हैं, कैमरा लगाया जाता है, क्योंकि उनको शूटिंग के लिए जब जाएंगे तब जो माहौल रहेगा उसका एक्सपीरियंस क्लास के अंदर ही मिले। हालांकि हम सीख रहे हैं 9 इमोशन में से जो अद्भुत रस है, आश्चर्य, वो इमोशन सीख रहे हैं, लेकिन एक फ्लैट नॉर्मल सी स्क्रिप्ट देने की जगह मैंने इनको दी है, जो सीन वाली स्क्रिप्ट है वो मैंने इनको दी है। एक लड़का लड़की रेस्टोरेंट में बैठे हैं और लड़की का बर्थडे है, लड़की को ऐसा लगता है कि लड़का शायद भूल गया बर्थडे, और उस पर नोकझोंक होती है और फाइनली लड़का उसको एक फ़ोन गिफ्ट करता है और लड़की खुश हो जाती है। ये छोटा सा सीन है। ओके शुरू करते हैं, क्लैप। सीन 1 शॉट 1 टेक 1 एक्शन। क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों है? नहीं कुछ भी तो नहीं, तुम्हें क्यों ऐसा लगा? नहीं तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, घर से खाना खा के आई हो क्या? तुम मुझे यहाँ पे क्या पकाने के लिए बुलाया? क्या काम है बोलो ना, मुझे जाना भी है कहाँ। तो कहाँ जाना है? हाँ तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना, छोड़ो। क्या पता नहीं होगा? एक सेकंड आदित्य, पहले अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो तो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल गर्ल। तुम मेरे लिए लाए हो फोन? हाँ तुम्हारे लिए लाए हैं। थैंक यू सो मच, मेरे को ये चाहिए था और मुझे पता था तुम यही गिफ्ट दोगे और ये मुझे दे भी दी। आई लव यू। आई लव यू टू। वो तो तुम हो ही इंस्टा की क्वीन। वो तो हुई मैं। और कट इट। ओके बैठो। बहुत अच्छी कोशिश थी। मिसिंग क्या था ऑडियंस में से, कौन बोलेगा? स्टूडेंट्स में से किसको कौन सा पॉइंट मिसिंग लगा उनको बताओ। माइक अप की जगह पर गर्ल बोल दिया वो। माइक अप की जगह पर गर्ल बोल दिया वो। माइक अप होता तो और बेटर। चल ठीक है। ओके और जिसको जो लगता है बोलो क्या मिसिंग था। सर जो दोनों का फ्लो था वो एक साथ रेजोनेट नहीं हो पा रहा था, मतलब अगर वो उसमें की जो पहली लाइन थी वो कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्साइटेड होके बोल रहा था, थोड़ा उसको सटल वे में उसको बोलना चाहिए था क्योंकि उसको पता है कि उसने ऑलरेडी सरप्राइज प्रिपेयर करके रखा है। और फिर बाद में जब ये एक्साइटेड हो गई थी तो एक्साइटेड होने के बाद ही कैमरा की तरफ देखने लग गई थी। हां जो कि उन्हें नहीं देखना चाहिए था। करेक्ट, वेरी गुड। Yes. किसको बोलना है कुछ? सरिता जी बोलिए। मैम सर वो मतलब आदिति जब सरप्राइज मिल रहा था तो पूरा मतलब देख ही नहीं, उसको बोलने से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, बहुत ज्यादा खुशी मतलब। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया दोनों ने, तीनों ने भी, कि एक्टिंग क्या है बेटा, एक्शन रिएक्शन है। जैसे पहले उसने बोला आंखें बंद करो, उसके बाद वो मोबाइल निकाला, अभी हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तुम्हें इमेजिन करना है आईफोन का बॉक्स है ना, तो उसने अपना जुगाड़ लगा के जैसे तैसे 50-60 हज़ार का कोई फ़ोन आईफोन लाकर दिया है, बेसिक मॉडल, तो वो बॉक्स दिया है, वो देने की एक्शन होने के बाद रिएक्शन आएगा है ना, तो एक्शन रिएक्शन का भी खेल है। और वो जो दोनों के बीच में केमिस्ट्री चाहिए, आपको क्या दिख रहा है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो बट रिलेशनशिप में हो, तो वो शूटिंग में क्या होगा, अनजान लड़का तुम्हारे सामने आएगा और आपको कहा जाएगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अनजान लड़की तुम्हारे सामने आएगी कहा जाएगा गर्लफ्रेंड है, यही शूटिंग है। ये जो गेम है एक्टिंग का, ये सब झूठ पे डिपेंड है, कि जो सच है ही नहीं
उसको इतना अच्छे से दिखाना है हमें जैसे सच में यही हुआ है। और वो अच्छा दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इमेजिन करो कि मैं अगर उस जगह होती, मैं मेरा बॉयफ्रेंड अगर होता और वो मुझे इस तरीके से सरप्राइज देता तो मैं कैसे खुश होती, मैं कैसे सरप्राइज देता, मैं कैसे बात करता। और उस सीन को और जेल करने के लिए तुम लोग क्या क्या एक्शन करते, हो सकता है स्टार्टिंग में उसका हाथ हाथ में लेके बात कर रहा है, और जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जब भी हम कोई भी सीन करते हैं ना, आराम से अच्छे से ठहराव के साथ बात करनी चाहिए, खुद की बात भी सुननी चाहिए जब हम बात कर रहे हैं। ओके एक बार और करते हैं, सबसे पहले मूड उस जोन में जाओ, लड़का फुल मस्ती के मूड में है और लड़की को ऐसा लग रहा है कि वो भूल गया है, बर्थडे भूल गया है। ठीक है क्लैप मत दो अभी, अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्लैप नहीं देंगे। रेडी एंड हो गया, 10-15 मिनट हो गए वहाँ बैठे हुए हैं, लड़के ने उसको बोला था कुछ ऑर्डर करते, उसने नहीं बोला, तो उस जोन में जाओ एंड एक्शन। क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों है? उसका हाथ हाथ में लेके, हाथ हाथ में ले पहले, ऐसा हाथ हाथ में, तूने भी मजबूरन नाराज़ है अंदर से, क्यों? क्योंकि ये भूल गया मेरा बर्थडे। अभी लाइन बोल, पहली लाइन बोल। क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों है? बोलो क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों है? क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों है? कुछ भी तो नहीं। हाँ अभी आदिति जब तुम बोलोगी ना, हाथ छोड़ दो और उसके बाद जैसे कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं, तो उससे क्या होगा, बोलना और फिजिकल एक्शन मैच हो जाएगी। कुछ भी तो नहीं, तुम्हें ऐसे क्यों लगा? फिर से इतना ही करो, रेडी चलो। कुछ भी तो नहीं, रुको। हाँ अभी वो कैमरा है वहाँ पर, यहाँ पर मैं हूँ, मैं तो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, बट इमेजिन करो शूट में हो, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ये मूड बनाओ पहले, 15 मिनट से बैठी हो, ये दिमाग में है कि ये मेरा बर्थडे भूल गया, और ऑलरेडी हाथ में हाथ है, पानी है यहाँ पर, हो गया ना। एक्शन के 3 से 4 सेकंड बाद शुरू करना, और तू सीरियस मत हो, तू मस्ती में रहे, सीरियस तुम रहोगी। रेडी एंड एक्शन। क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों है? कुछ भी तो नहीं, तुम्हें ऐसे क्यों लगा? ओके अभी जब वो क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों है, तब एक छोटी सी रिएक्शन दे, गुस्से में देखते हैं ना, एक प्यार वाला गुस्सा, वो रिएक्शन दे एंड देन बात कर। अभी आप जो लाइव क्लास देख रहे हैं वो भी देखो कि कैसे चेंजेस करने से उनकी एक्टिंग में और सीन में जान आती है। रेडी एंड एक्शन। क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों है? कुछ भी तो नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कुछ भी तो नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों, ये देख, कुछ भी तो नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, कुछ भी तो नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। वो शरारती है ना, उसका प्यार तो है, बट मिशन ये है कि यार भूल क्यों गया। चलो अच्छा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भूल गए तो माफ़ी है, लेकिन पत्नी का बर्थडे पति भूल गया तो सीधी मौत है, उससे डेंजर कुछ नहीं। तो मैंने भूल, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जिंदा है, मेरी बीवी अच्छी है। चलो नहीं, वैसे नहीं भूलता हूँ मैं, अभी इस बर्थडे को 29 को बर्थडे मैम का, और 29 जुलाई को, और मैं उनको कार गिफ्ट कर रहा हूँ। पत्नी को खुश करने का एक बेस्ट ऑप्शन है, उनको गिफ्ट करो, साल भर आराम से जीने देगी। ऐसा सिंपल फंडा, प्यार तो है हमारा, नो डाउट। चलो रेडी, वैसे जो लाइव देख रहे हैं इस चैनल को, वो बताओ ब्रीजा अच्छी है या निक्सॉन, निक्सॉन है ना वो, टाटा निक्सॉन,
और ईवी ले या पेट्रोल ले? तेरा तेरी उंगली कैमरे पे तो नहीं है ना, नीचे की उंगली, थोड़ा हाथ नीचे ले। ब्रेजा पेट्रोल। अच्छा अपना क्लास चल रहा है, हम भूल गए थे। हाँ रेडी, आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो क्लास? इफ यस देन टाइप यस वी आर एंजॉयिंग। ओके मूड एंड एक्शन। क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों है? कुछ भी तो नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, घर से खाना खा के आई हो क्या? तुम मुझे यहाँ पे क्या? ये देख, घर से खाना खा के आई हो क्या? वो होता ना, एक झटका आता है कि अब मेन मुद्दे पे आ ही नहीं रहा है तो भूल गया। किसी के लिए एक झटका दे, पीछे हो जा एंड देन वो दिखा आगे की लाइन। चल, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, घर से खाना खा के आई हो क्या? तुम मुझे यहाँ पे पका ये देख, सॉरी एक मिनट, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, घर से खाना खा के आई हो क्या? ये एक लाइन है या दो लाइन है? दो। बीच में तो जो पॉज है वो लेगा कि नहीं लेगा? लूंगा। चलो, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, मस्ती में तू क्या कर रहा है? तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, टेंशन क्यों ले रहा है? आदिति, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, घर से खाना वाना खा के आई हो क्या? मूड लाइट रखना बेटा तेरा। तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, घर से खाना वाना खा के आई हो क्या? घर से खाना वाना खा के आई हो क्या? तुम मुझे यहाँ पे पकाने के लिए लाए हो? क्या काम है बोलो। हाँ, तुम मुझे यहाँ पकाने के लिए लाए हो क्या? थोड़ा पॉज, क्या काम है बोलो ना, क्या काम है बोलो ना। वेरिएशन। अभी इसमें ना दोस्तों, जो लाइव क्लास देख रहे हैं और मेरे स्टूडेंट्स भी, उनको तो मैं बताते रहता हूँ, दोनों में तालमेल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऑन सेट तो ऐसे दो लोग मिलेंगे जो शायद एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो, बट वो क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़ी ना होंगे। तो वो तालमेल बनाना, जो मैं जैसे मैंने देखा कि तुमने याद करने की कोशिश की कि तेरी क्या लाइन थी, मेरी क्या लाइन थी, ये परफेक्ट है। और जब भी गर्ल्स बॉयज़ गर्ल शूट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मेक श्योर कि दे फील कम्फर्टेबल विद बॉयज। चलो, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, घर से खाना खा के आई हो क्या? तुम मुझे यहाँ पे पकाने के लिए लाए हो? क्या काम है बोलो ना, मुझे कहा तो और जाना भी है। कहाँ जाना है? कहाँ तो और नहीं, क्या लाइन है? कहाँ तो और का मीनिंग मुझे कहीं और भी जाना है। तो लाइन मेक श्योर कि लाइन करेक्ट बोलो। अगर डबिंग नहीं हो रहा है, डबिंग नहीं हो रहा है, सिंक साउंड है, जैसे हमने ये माइक लगाए हैं ये क्लास शूट करने के लिए, तुम्हारा सीन शूट करने के लिए, और उसी से रिकॉर्ड होने वाला है, तो उस लाइन का मीनिंग कुछ नहीं निकलता ना, तो वैसा चलेगा नहीं। जो भी लाइन दी है करेक्ट वही लाइन बोलो। तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, घर से खाना खा के आई हो क्या? तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, दूसरी लाइन जो है, घर से खाना खा के आई हो क्या? तू क्या कर रहा है? तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, घर से खाना खा के आई हो क्या? सेकंड लाइन में थोड़ा मस्ती डाल। तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, घर से खाना खा के आई हो क्या? हाँ गुड। तुम मुझे यहाँ पे पकाने के लिए लाए हो? तुरंत रिएक्ट मत कर। तुम मुझे यहाँ पकाने के लिए लाए हो क्या? तुरंत सुन के रिएक्ट करना। एक बोल तेरी लाइन प्रशिक। तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, घर से खाना खा के आई हो क्या? तुम मुझे यहाँ पे पकाने के लिए लाए हो? क्या काम है बोलो, मुझे कहीं और भी जाना है। हाँ गुड। कहाँ जाना है? वैसे कहाँ जाना है, वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है? मस्ती। अब यहाँ मैंने लाइन ऐड कर दी। लाइन क्या थी? वैसे कहाँ जाना है। मैंने क्या किया? वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है। अतुल आए कि नहीं गर्लफ्रेंड? नहीं सर। नहीं है हमारे प्रशिक को गर्लफ्रेंड नहीं है, सीन तो करना ही पड़ेगा ना। होती तो अच्छा होगा था ये। तो वैसा सोच के करो। तुम मुझे यहाँ पे
भगाने के लिए लाए हो? क्या काम है बोलो, मुझे कहीं और भी जाना है। वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है? हाँ तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना, छोड़ो हमारे साथ जाके भी। ये देख, हाँ वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, छोड़ो तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। वो लाइन को ब्रिज देना पड़ेगा ना, उस लाइन को ब्रिज देना पड़ेगा। बोलो, वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है? कहाँ 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 ये देख, वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है, देन योर लाइन कहाँ कहाँ क्वेश्चन यू आस्किंग बेटा, यू आस्किंग क्वेश्चन। वो क्या बोल रहा है, वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है, देन योर सिन कहाँ। वैसे तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना, बोलो। सुन के रिएक्ट करो, एक्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है सुन के रिएक्ट करना। वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है? कहाँ तो सवाल पूछ रहे, कहाँ तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना। चल मैं बोलता हूँ। यू आर नॉट लिसनिंग, तुम सुन के रिएक्ट नहीं कर रही हो, सुनो एंड देन रिएक्ट करो। वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है? कहाँ तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। नहीं हो रहा है, फिर से इतना ही बोलो पांच बार। तू सिर्फ बोल, वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है? वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है? कहाँ, बस पांच बार इतना ही रिपीट करो। वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है? तो स्पीड कम कर। वैसे मेरे बीवी आ रहा है ज्यादा मेरे इसमें, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो बीवी आ रहा है। बाहर बैठे हुए ना तो आतंक, बीवी का आतंक। वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है? कहाँ तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं होगा ना, लाइक दिस। तो कहाँ बोल प्रॉपर। वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है? कहाँ थोड़ा टाइम ले, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना। वैसे तुम्हें तो पता, मतलब तुम्हें बर्थडे पता नहीं होगा। हाँ, जाने की बात कर रहा है। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, तुझे तो मिलने आई हूँ। देश दुनिया घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनार कली डिस्को चली। ओके सीन पे वापस आते हैं। हाँ चलो बोलो, वैसे मेरी बेबी को कहाँ जाना है? कहाँ वैसे तो तुम्हें पता भी नहीं होगा ना। हाँ यहाँ गुस्सा ऐड कर, वैसे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना, वैसे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना, वैसे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना आज क्या है। आज क्या है, फिर से इतना ही। वैसे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना आज क्या है। क्या पता नहीं होगा, छोड़ो तुमसे बात करके भी क्या होगा। हाँ नहीं, क्या पता होने के बाद थोड़ा और गुस्सा दिखाना, बैठ। वैसे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना, वैसे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना। क्या पता नहीं होगा, ये देख बोलो। वैसे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना। क्या पता नहीं होगा, छोड़ो तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। परफेक्ट, ये जो रिएक्शन थी ना बीच की वो भी चाहिए। लाइन पे लाइन गलत एक्टिंग। हम डे टू डे लाइफ में जब किसी से बात करते हैं, कैसे हो, अच्छा हूँ, तू कैसा है, मैं भी अच्छा हूँ, क्या कर रहा है, मस्त हूँ, कहीं घूमने गया था, नहीं कहीं जाने का प्लान है, नहीं गर्लफ्रेंड है, नहीं बीवी है, नहीं बच्चे, नहीं ऐसा होता है क्या? लाइन पे लाइन कौन बोलता है? बीच में फिलर्स होते हैं क्या? नहीं, वो रियल लाइफ में सारे फिलर्स है, तो एक्टिंग करते वक्त क्यों नहीं। चलो वहीं से जहां से रुके थे। वैसे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा आज क्या है। वैसे तो तुम्हें पता, उसकी आंखों में देख के बात कर। वैसे तो तुम्हें पता भी नहीं होगा आज क्या है। स्पीड कम कर। वैसे तो तुम्हें पता भी नहीं होगा। वैसे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि आज क्या है। वैसे तो तुम्हें पता भी नहीं होगा आज क्या है। क्या पता नहीं होगा, छोड़ो तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। हाँ इतनी एक्शन फास्ट नहीं ना, छोड़ो तुमसे बैठो, छोड़ो तुमसे बात करके तो कोई फायदा ही नहीं है। ये बात हुई, उसके बाद फटाक से उठ, देन बैग उठा,
उसको एक गुस्से से देख एंड देन मूव। छोड़ो, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, स्पीड ज्यादा हो रही है। बैठ के बोलो। छोड़ो, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। नहीं, और स्पीड हो रही है ना। छोड़ो, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये उठी, बैग ली, ये देखा गुस्से से। अरे सुनो तो, तू क्या कर रही है? लाइन भी बोल रही है, उठ भी रही है, जा भी रही है। तो हम एक्टिंग ऑडियंस के लिए कर रहे हैं ना। जब एक्चुअल सीन शूट होगा किसी सीरियल, फिल्म, वेब सीरीज में, तब ऑडियंस देख रही है ना आंखें फाड़ फाड़ के कि अच्छा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठे, लड़की नाराज़ हो गई, जा रही है। मेक श्योर कि एक्शन स्पीड में भी ना हो, बहुत स्लो भी ना हो। ओके, चलो छोड़ो, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। देख, अरे आराम से आराम से। नहीं, आ जा, बोल पहले। छोड़ो, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। ओके, अभी सिर्फ खड़ी हो जा, देख उसको गुस्से से, आराम से बैग उठा, थोड़ा टाइम ले, गुस्से में देख, फेड अप हो जा, जा, इतना चाहिए। आया समझ में? चलो, क्योंकि और कैमरा एंगल चेंज होगा ना, जैसे इसके पीछे से कैमरा लगेगा, तुम्हारे रिएक्शन लिए जाएंगे, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे रिएक्शन, इसको हटा के तेरा क्लोजअप, तुझे हटा के इसका क्लोजअप, एक ही एक्शन को 10 बार करना पड़ता है, इसलिए वो समझ के। चलो छोड़ो, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। छोड़ो, तुमसे बात करके कोई फायदा ही नहीं है। थोड़ा एंगर दिखा यहाँ पे। देखो, सुनो, जो भी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं और जो लाइव भी देख रहे हैं, वैसे देखा जाए तो एक्टिंग बहुत इजी है और वैसे देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी है। एक्टिंग का अपने जीवन के साथ ही कनेक्शन है। डे टू डे लाइफ में हम सब एक्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर है? जैसे ही तुम सीन करते हो, कैमरे के सामने आते हो, नाटक में ऑडियंस के सामने आते हो, तो तुम कॉन्शियस हो जाते हो और तुम कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हो। वो नहीं करना है। स्क्रिप्ट को समझना है, बैक स्टोरी समझनी है, कैरेक्टर को डिज़ाइन करना है, लाइंस को डिज़ाइन करना है, जो सब हम सिखाते हैं, जो सिखा रहे हैं क्लास में, और उसके बाद जो डिज़ाइन किया है वो परफॉर्म करना है। और टेंशन लेके एक्टिंग नहीं होती। बहता पानी कैसा होता है फ्लो में, वैसे एक्टिंग का खेल। एक सिंगर है, बहुत टेंशन लेके गा रहा है, अरे अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ। वो सुनने में अच्छा लगेगा क्या? ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है, ऐ अजनबी। तो वो आराम से बता रहा है कि तू समझ, मैं टुकड़ों में जी रहा हूँ, बहुत मुश्किल में जी रहा हूँ। तो आर्ट कोई भी होता है ना, वो पानी की तरह होता है, फ्लो फ्लो में एफर्टलेस होता है आर्ट। और एफर्टलेस आर्ट के लिए प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के पहले टेक्निक सीखनी है। तो अभी तुम लोग टेक्निक सीख रहे हो, टेक्निक कोई डांस कर रहा है, और डांस अपनी प्रियंका बहुत अच्छा डांस करती है, तो उसके डांस में एक फ्लो है, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ज़बरदस्ती की कोई स्टेप कर रही है। तो और एक कोई है जो उसकी बॉडी बहुत स्टिफ है, जैसे सनी देओल टाइप, है ना, यारा ओ यारा, तो वो डांस देखने में मज़ेदार लगता है। बट हम उनको नहीं कह सकते कि ऋतिक रोशन टाइप बेस्ट डांसर है, कह सकते हैं क्या? No. तो बहुत फ्लॉलेस होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट ईज के साथ अपनी एक्टिंग होनी चाहिए, और वो जो काम है वो बहुत जल्दी नहीं आता। इट टेक्स टाइम, प्रैक्टिस करते करते करते, जो जुनूनी है, जो पैशनेट है, वो लोग छोड़ते नहीं है। एक्टिंग स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं, कोर्स करते हैं, 90% बच्चे गाँव भाग जाते हैं वापस। क्यों? पैसे ख़त्म हो जाते हैं,
पैशन का पता नहीं चलता या पेशेंस नहीं होते, और जो टिक्के रहते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। तो छोटी सी छोटी चीज़ें सीखनी है। मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि चाय पीनी हमको, और इस ग्लास भर के चाय है और टेस्टी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा है क्या? छोटी से कप में बहुत कम चाय है लेकिन वो टेस्टी है तो फ़ायदा है। तो एक्टिंग करते वक्त तुम लाइन याद करके बोल रहे हो और सीन को कंप्लीट कर रहे हो, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि तुमने उसमें डिटेलिंग क्या की, रियल लाइफ से रिलेटेड कौन कौन से बातें उठाई जिससे तुम्हारा सीन नेचुरल लगे, तुम्हारे एक्टिंग में क्या नई नई चीज़ें ऐड की। अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, इरफान खान हो गए, नसीरुद्दीन शाह हो गए, मनोज वाजपेयी, बच्चन साहब, शाहरुख, जितने भी बड़े बड़े अच्छे एक्टर हैं, राजकुमार राव है, रणवीर सिंह है, आलिया भट्ट है, तो ये सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ना, वो गहराई में जाते हैं, वो सतही तौर पर एक्टिंग नहीं करते, वो एक्टिंग करने की कोशिश भी नहीं करते, वो सच्चाई के साथ उसमें घुस जाते हैं। कैरेक्टर जीते हैं, लेकिन जीने के पहले क्या है, अपने आप को ज़ीरो करना ज़रूरी है। एक ब्लैंक पेज है उसी पर हम लिख सकते हैं ना, एक पेज है जिस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है उस पर लिख सकते हैं क्या हम लोग? तो ये काम कैसा है, ये काम एक साइंटिस्ट वाला काम है। साइंटिस्ट लैब में बैठा है और वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम अपने आप को ढूंढ रहे हो कि एक एक्टर के तौर पे मेरे अंदर क्या क्या है, कितना कुछ निकल सकता है। तो ये समंदर है, हम भले ही एक्टिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम आपको शेयर कर रहे हैं अपना ज्ञान, लेकिन इस समंदर में से शायद एक बूंद हमारे पास होगा जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। एक्टिंग के समंदर में हमारे पास एक बूंद होगा शायद, इतना बड़ा है समंदर, इतनी सारी बातें सीखने लायक। तो सतही तौर पे कुछ भी नहीं करने का, हर एक्शन के पीछे पूछने का कि क्या मोटिवेशन है। मोटिवेशन ये विवेक बिंद्रा वाला मोटिवेशन नहीं, एक्शन के पीछे का कारण क्या है, दैट इज़ मोटिवेशन। लड़की रूठी हुई क्यों है, क्योंकि बर्थडे है और बॉयफ्रेंड को शायद याद नहीं है ऐसा तुझे लगता है, तो वो मोटिवेशन अगर याद है, समझ में आता है, तो तुम्हारी एक्टिंग ऑथेंटिक होगी। जब जब ज़बरदस्ती कुछ करना पड़ता है तब समझना कि कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। ओके, अभी जो जो बताया लास्ट वाली लाइन लो जाने की। बोल के फिर जाओ। छोड़ो, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। वेट आदिति, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो तो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू आदिति। ओएमजी, ये मेरे लिए? तुम्हारे लिए। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे पता था तुम यही गिफ्ट मुझे देने वाले थे, और मुझे ये चाहिए था। आई लव यू टू। अब तुम देखना, इस फोन से मैं इतने अच्छे रील्स बनाऊंगी ना जो वायरल हो जाएगी। वो तो तुम हो ही इंस्टा की क्वीन। वो तो हूँ मैं। ओके, अच्छी कोशिश थी, लेकिन जब मोबाइल मिलता है गिफ्ट ना, उसके बाद तुमने जो लाइन बोली है, फटाफट मेरी ये लाइन है चार, और फटाफट खत्म करने। भारत हमारा देश है, हम सब भारतीय है, हम सबको भारत से प्यार है, हम सब और जो एक्साइटमेंट दिखानी थी वो एक्साइटमेंट भी वो टिकटॉक वाली एक्साइटमेंट थी। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड में लाइन खत्म। उसको वो लड़के ने सारी सेविंग खत्म करके तुम्हें मोबाइल गिफ्ट किया। अब तुम्हारी जो एक लड़की के लिए कॉलेज, मान लो मुझे कोई मोबाइल गिफ्ट करता है तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कॉलेज में पढ़ाई करने वाला लड़का लड़की वो एक दूसरे को आईफोन गिफ्ट कर रहा है, बहुत बड़ी बात हो गई। लिटरली तुम्हारे रिएक्शन ऐसे होंगे जैसे किसी ने ऑडी गिफ्ट कर दी। अगर कोई बिजनेसमैन है और उसने एक दूसरे को ऑडी गिफ्ट की, तो जो हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस तुम्हें होगा। अब एक्साइटमेंट क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने अपने आप को लॉक करके रखा है। कार ड्राइव कितने लोग करते हैं, आप में से किसी को ड्राइविंग नहीं आती? कई बार 80 पर गाड़ी लॉक होती है कि 80 के ऊपर गाड़ी जा नहीं सकती,
कंपनी आर्टिका जैसी गाड़ी कंपनी लॉक करके देती है कि 80 के ऊपर मत भाग, जिंदा रहे। हमने भी अपने आप को लॉक करके रखा है। कैसे? अपने एक्सप्रेशंस को। हम आज के ज़माने में एक्सप्रेस ही नहीं होते हम लोग। कुछ भी हुआ चेहरा वैसा ही है। कोई मर गया, मैं पास हो गया, लड़की ने हाँ बोला, मेरी लॉटरी लगी, तेरा घर जल गया। तो हमने क्या किया, हमने अपने एक्सप्रेशंस को दबा दिया अपने अंदर। और अब दबाने की वजह से क्या हो रहा है कि अब जब एक्टिंग करने का मौका आता है तब वो निकल ही नहीं रहे, तो तब आर्टिफिशियली अपने को करना पड़ेगा। हम जब अंग्रेज़ी सीखते हैं तो गलत सही का ध्यान ना रखते हुए बोलते जाते हैं ना, और बोलते बोलते हम सीख जाते हैं। सेम एक्टिंग का है। जब कुछ बात अपने से नहीं निकल रही है तो जानबूझ के खींच तान के तुम ओवर करो, जैसे साक्षी ने किया था। जब हम 1 2 3 4 वो कर रहे थे, ओवर करो, करते खुलने के बाद फिर उसको नेचुरल हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि प्लेट में कुछ होगा खाने के लिए तो खाएंगे ना, खाली प्लेट लेके खाइए ना, खाइए, लीजिए, कुछ तो लीजिए, अरे कुछ होना भी तो चाहिए। अब हम एक्टिंग सिखा रहे हैं, एक्सप्रेशन का ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ, तू खुश कैसे होगा, तू दुखी कैसे होगा, अरे कुछ कर भाई, कर तो मैं कुछ निकाल पाऊंगा ना तेरे से। तो इसीलिए वो नहीं है। क्योंकि और गर्ल्स के बारे में क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसी लड़की बड़ी होती है 12 13 14 साल, तो स्कूल से आ रही है जा रही है तो माँ बाप बोलते, बेटा देखना नहीं किसी के पास, लड़के गलत होते हैं। हाँ, चुपचाप नीचे मुंडी, घर पे मुंडी ऊपर, घर से नीचे मुंडी, क्लास में मुंडी ऊपर, दोस्त करना वो नहीं करना सब बोलते। और इस चक्कर में लड़कियां जो अंदर के एक्सप्रेशंस है, जैसे किसी को स्माइल देने की इच्छा हुई नहीं देगी, फ्रीली एक्सप्रेस होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है, डर है। बट एक्टिंग में जब तुम लोग आते हो वहाँ पे तो सारा तुम्हारा धंधा ही एक्टिंग का एक्सप्रेशन पे चल रहा है। तुम्हारे मोबाइल की जो स्क्रीन है, जिस स्क्रीन में तुम सब कुछ देखते हो, एक्टर की स्क्रीन क्या है? फेस एंड योर एक्सप्रेशन, योर आईज। एंड इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिव देन तुम्हारे भाव पता कैसे चलेंगे? तो मैंने इनको एक्सरसाइज सिखाई थी आप लोगों के लिए, एक बार आदिति के साथ एक्सरसाइज करेंगे। वो सीन तुम्हें समझ में आया आदिति कैसे करना है? तो जिनको भी लगता है कि अपने एक्सप्रेशन थोड़े कम है, वो अलग अलग इमोशन को काउंट पे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके प्रशिक, 2 मिनट इधर आओ, तुम यहाँ पे आओ, वो रख दो, हाँ मोबाइल हाथ में, दोनों हाथ में ही रखो, बैग भी और मोबाइल भी, सिर्फ फेस इधर करो। अभी मैं काउंट करूँगा 1 से 10 तक, और 1 मतलब नॉर्मल एक्साइटमेंट और 10 मतलब एक्सट्रीम, तो देखते तुम कैसे रिएक्ट कर दियो। 10 मतलब वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीतती है ना लड़की, सुष्मिता सिंह वाली, ओ माई गॉड, ओ क्या हो गया, वो सारा जंप वम्प करना। तो अभी तुम्हें लगेगा अरे मैं तो आर्टिफिशियल कर रही हूँ, चलेगा। रेडी, 1 2 3 4, कुछ बोलना है बोल सकते हो, 5 6 7 8 9 10। ओके, एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी ठंड भी लग रही है ना। अच्छी है कोशिश। तो जैसे उसने कोशिश की 1 से 10 तक, वैसे रौद्र रस है गुस्से वाला, उसमें कर सकते हैं, करुण रस में कर सकते हैं। ये थोड़ा आर्टिफिशियल है खेल, इसमें अपने को पता चलता है कि अंदर से मैं खाली हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी फ्री हो जाती है, एक्सप्रेशंस तुम्हारे फ्री हो जाते हैं, तो करते रहना है उस तरीके से। अब जो 10 पे था वो एक्साइटमेंट चाहिए मुझे 10 पे, और बात सुन के कर, तुरंत मत बोल उसको। अब तुम लड़कियां हो
और लड़की हूँ मैं अभी एक सीन है जहाँ पर लड़के को हक कर रही हो, है ना। तो तुम आर्टिस्ट हो, यहाँ पर एक्टर बनने आए हो, तो एक लिमिटेशन होनी चाहिए। जैसे पिक्चरों में किसी से प्यार हुआ, हक किया, एक दूसरे की तरफ देखा, ऐसे बेसिक जो सीन्स है, डांस के सीन्स है, ये सीन नॉर्मल होते हैं जो तुम्हें करने आने चाहिए। उसके बाद जब एक्सट्रीम कुछ होता है, बोल्ड सीन होते हैं, तो उसमें तुम्हें नहीं जाना है। करेक्ट, तुम आर्टिस्ट हो, किसी पिक्चर में रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हारा काम चलेगा, वो इंडस्ट्री अलग है, उसमें अपने को जाना नहीं है। बट मैं लड़की हूँ, मैं शर्माई हूँ, शर्माऊंगी, मैं कैसे सीन करूँगी, वो झिझक तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। माधुरी दीक्षित एक आर्टिस्ट है ना, इंडस्ट्री में इतने साल काम किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है। शाहरुख खान एक मेल है जो एक्टर है, अजय देवगन काजोल हस्बैंड वाइफ है, तो एक्टिंग का प्रोफेशन ऐसा फालतू प्रोफेशन नहीं है, ये एक बड़ा प्रोफेशन है और इसको बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, लोग करोड़पति बन गए हैं, उनको नाम है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है। सो आप सभी गर्ल्स, आप एक आर्टिस्ट हो, कौन हो? आर्टिस्ट हो, और आप आर्टिस्ट हो, जो भी सीन आप कर रहे हो, वो सीन की रिक्वायरमेंट है, उसको कंफर्टेबली आपको करना आना चाहिए। चलो एक बार कहाँ गया आर्टिस्ट, वो लास्ट वाला मोबाइल गिफ्ट करता है उसको, और तुम्हारी एक्साइटमेंट, तुम बैठ यहाँ बैठे रहो, बैठ के आवाज़ दो और फिर मोबाइल दो। रेडी स्टार्ट एक्शन। एक सेकंड आ दीजिए, पहले आपकी आंखें बंद करो। क्यों? प्लीज आंखें तो बंद करो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। ओ गॉड, मेरे लिए आए हो? तुम्हारे ओके, वेट वेट, थोड़ा मार्केट में आओ, दोनों इधर आओ, इधर आओ। मार्केट मतलब हमारा स्टेज। हाँ ओके, यहाँ पे रुको। हाँ, आंखें बंद करने के लिए बोला। ओके अभी, हाँ बोल। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। ओके रुक, पहले सुन, तू क्या कर रही है? हैप्पी बर्थडे के टाइम में तेरा बात करने दे उसको, और तू पत्थर फेंक के मत मार, विश कर। देख, विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू आदिति। वो गम बोल, खुश हुआ। अरे आदिति को बोलेगा, चलो आदिति, ओयो ओयो ओयो, वैसा वाला हो सकता है अगर बोलने का तरीका बदला तो। पूरी बात होने दो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। एक प्यार होना चाहिए, एक सॉफ्टनेस उसमें लेके आ। रेडी? विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। नहीं, फिर से। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। अभी काम करेंगे, तू है ना, वो जब मोबाइल दे रहा है तब तक आंखें बंद ही रख। ओके, और बर्थडे आदिति के टाइम खोल, और आंखें खोलने के बाद तूने मोबाइल देखा, देन रिएक्ट कर। रेडी? एक्टिंग में क्या है पता है, एज के हिसाब से भी मैच्योरिटी आती है। अभी एक 18, 17, 18, 20 साल के जो लड़के लड़कियां होते हैं, जिंदगी का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो सब समझ गई, जान गई। बट थोड़ा सा एक्टिंग में लाइफ का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है मैच्योरिटी के लिए एक्टिंग की। बट तुमको जो कैरेक्टर दिया है वो तुम्हारी एज का है दोनों के। रेडी? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। थोड़ा आवाज बढ़ा। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। थोड़ा लाउड बट हार्श नहीं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। अच्छा, सच में अगर कोई ऐसा गिफ्ट देगा तो तुम ऐसे ही करोगे क्या? ओ एम जी, आस्क योर सेल्फ। नो नो, एक्टर शुड आस्क क्वेश्चन टू हिमसेल्फ। मजाक की बात नहीं है। नहीं, लेकिन अगर होता तो अभी बॉयफ्रेंड छोड़ दे, मम्मी पापा भाई बहन कोई तो सरप्राइज देते होंगे ना। देखो, मैं ऑब्जर्व किया है मैंने, वो हे डूड, हे ब्रो, ये सब ना जब हम बाहर होते हैं ना किसी के सामने, देसी लोग, हाँ देसी लोग, तभी बोलते हैं ब्रो चल लेट्स गो यार। और वही अपने घर में, हे भाई चलना
कितना टाइम लेगा? तो वैसे जैसे ओम ओ एम जी वगैरह हम रे हो सकता है बाहर दोस्तों के साथ यूज करें, बट रियल लाइफ में हम थोड़ा देसी होते हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अटैचमेंट डिफरेंट है ना। तो तुम ये सोचो कि सच में ऐसा होता तो मैं कैसे रिएक्ट करती। एक्टिंग का दूसरा नाम है इमेजिनेशन। ये सच में नहीं हो रहा है, मोबाइल सच में नहीं आया और सच में वो कहाँ से देगा? सच में तो नहीं दे पाएगा ना, और 6 मंथ एडवांस एक्टिंग ट्रेनिंग की फीस भर के वो खत्म ही हो गया है वैसे भी। ओके चलो रेडी। बी इन द मोमेंट। बी इन द मोमेंट का मतलब है जबरदस्ती खींचतान के कुछ मत कर, बिलीव करके सच में हुआ है। एक्शन। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। अभी तू क्या कर रही है? उसकी आंखें नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर हो रही है। पहले मोबाइल को ही देख, वो क्या आएंगे तेरे अंदर से भाव? वो आ, मेरा फोन से शूट हो रहा है आईफोन से, मैं तो वो दे देते। हम नीचे ऊपर नीचे, पहले फोन को देख, देन उसकी आंखों में देख, उसकी आंखों में प्यार दिखेगा तुझे। प्यार है ना? यस है। प्यार दिखेगा तो रिएक्शन आएगा। ओके तो पहले मोबाइल देख, देन उसकी आंखों में देख, एंड देन रिएक्ट कर। एक्शन। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। मुझे पता था तुम मेरे लिए ये गिफ्ट। हाँ, थैंक यू सो मच के बाद देख बॉक्स, देख फोन का बॉक्स है, देख ले एंड हैप्पीनेस वैसे ही बरकरार रख, एंड देन अब हग कर। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू टू। मुझे पता था। आराम से ये हो गया, देन आराम से बता। मुझे पता था तुम ये गिफ्ट लाओगे और मुझे ये चाहिए था। चाहिए था, चाहिए था, चाहिए चाहिए था। कोई बात नहीं, देखो इनका इस शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो हमारे लाइव वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि इनको सीखना शुरू ही 9-10 दिन पहले किया है इन लोगों ने, क्लास ही अभी शुरू हुआ है तो। लेकिन शब्दों पर ध्यान देना है ना, अपने स्लैंग है कुछ पिक्चर में, जैसा देसी बॉयज नहीं, वो कौन सा था, गली बॉय। गली बॉय में आलिया भट्ट कैसे डायलॉग बोल रही है, क्योंकि कैरेक्टर ही वैसा है, लेकिन यहाँ पर चल भी सकता है लेकिन क्लियर बोलो। फिर से उतना, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। अब हम आदिति को तकलीफ नहीं देंगे। चल चल एक्शन। बहुत बहुत बार ना हम लोग, कुछ लोग हमको अप्रोच करते हैं कि हम स्टूडेंट के साथ पिक्चर बनाएंगे, और हम औरंगाबाद में क्लास चला रहे थे तब एक आया, मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ और आपके ये 2-4 बच्चों को लेके मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। मैं बोला बनाओ जाओ, फिर बनाया। तो स्टूडेंट ने बाद में शेयर किया एक्सपीरियंस कि वो जो डायरेक्टर था, हाँ यहाँ पे आओ, हाँ दोनों यहाँ पे आओ, एंड एक्शन। और कैमरामैन बोलता था कैमरे से साइड में तो हटो। वो कैमरे के आगे आके बोलता था एक्शन। और कैमरा वही डिजिटल कैमरा छोटा सा। चलो रेडी एक्शन। और एक्शन बोलते थे वो, एक्शन, इसीलिए मैंने बोला एक्शन एक्शन मूड एक्शन। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। तुम मेरे लिए लाए हो ये? तुम्हारे लिए। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू टू। मुझे पता था तुम यही गिफ्ट दोगे। और ओके अभी क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट तो है बट आवाज से एक्साइटमेंट नहीं आ रही है ना, आवाज से एक्साइटमेंट। कौन सी लड़की करके दिखाएगी ये सीन? आओ, आवाज से भी एक्साइटमेंट क्रिएट होती है ना आदिति, देखना। थैंक गॉड मैं छूट गई, मैं छूट गया। उतना ही कर दिया आदिति, इधर से देख। कभी भी कोई कुछ करके दिखा रहा है तो सामने से देखना। मूड। हाँ आंखें बंद कर, बोलो आंखें बंद करो, आंखें खोल पे, पहले आंखें बंद कर दे वहीं से स्टार्ट। हाँ करो ना, जहाँ से करना है। मैं तुम्हें ये दूंगा, आंखें बंद कर दे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। दीदी
पंपल हो गया सर थोड़ा। मैंने बोला दी आया, दी से क्या बोलने वाला है, पंपल हो गया सर थोड़ा। चलो फिर से फिर। दीदी बोल रहे लड़की मार मुड़ दे अम्मी, अच्छा तुझा मुड़दा बसाओ। ओके मुड़ है साइलेंस। हाँ दिया की दिया दिया ना दिया। हाँ ए नहीं रे दीदी नहीं था दिया, उसका दिया। नाम है दिया। हाँ दिया। हाँ मूड एंड एक्शन। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे दिया। ये मेरे लिए तुम्हारे लिए। आई न्यू तुम मुझे कुछ ऐसा ही गिफ्ट देने वाले हो। I love you too. अब देखना कितनी अच्छी क्वालिटी की रील्स बनाऊंगी। देखती हूँ कैसे निपटेंगे मेरे फॉलोअर्स। वो तो बढ़ेंगी तुम्हारे फॉलोअर्स, इंस्टा की क्वीन जो हो। वो तो मैं हूँ। हैंड कट इट। अच्छा था, थोड़ा वॉल्यूम और चाहिए। मूड सही था, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। तुम्हारी खासियत है आंखों से तुम बात करती हो, आंखों से वो भाव दिखते हैं कि जो तुम बताना चाहती हो। थोड़ा वॉल्यूम अप करो। वन मोर टाइम। कैमरा मन लड़की के एक्सप्रेशन इधर से दिखाएंगे अपन। आप भी बैठे बैठे बहुत आराम हो गया, आओ इधर। ओके बस यहाँ से ठीक है। रेडी वन मोर टाइम। यस। क्या है जल्दी करो ना यार। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। अरे यार आदिति सर वो बहुत बार बोल ले इसलिए कर। कभी कभी आदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है। नहीं नहीं वो प्रैक्टिस कर करके नाम आ रहा है। हाँ, वही वैसे। हाँ वो डीप चला गया। होता है, मस्ती होती है। चलो रेडी मूड एंड एक्शन। क्या है जल्दी दो ना यार। सॉरी 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 क्या है जो भी करना है जल्दी करो। जो भी करना है जल्दी करो। अय्या बोलो क्या करूं। अरे हमारा एक्टिंग क्लास है, आफ्टर शो है। होता है होता है, मीनिंग निकलते अलग अलग, इसलिए समझ के बोलो। चलो रेडी। क्या है यार तुम्हारा रोज का ये ड्रामा। Wish you a very happy birthday, Diya. अभी कंफर्म बोलूंगा सरदार। अभी फिर से लास्ट टेक। ओके चलो देखो, ऐसा अगर सेट पे होता है ना तो एक दो बार माफी है, लेकिन वहाँ पे क्या है दिन भर में तो वो सब शूट कंप्लीट करना होता है, लाखों रुपए खर्चा होते हैं। यहाँ पे चलेगा क्योंकि तुम सीखने आए हो, हम लोग तुम्हारी वजह से है। बट जब हंसी मजाक तो हर जगह होगी, बट जब टेक कर रहे हैं ना एकदम कॉन्सेंट्रेशन लेवल एक्सट्रीम होना चाहिए। अब टेक में तो मैं मजाक वजाक नहीं करूँगा, फुल कॉन्सेंट्रेट करके अपना टेक करूँगा। टेक हो गया, कट इट होला, फुल मस्ती करो। चलो रेडी मूड एंड एक्शन। क्या है तुम्हारे पे तो ड्रामे खत्म नहीं होते। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आदिति। अरे यार हट, बदल गया दिया किया किया। बेबी बोलता हूँ, चलो बेबी बेबी। अभी मेरा मन कर रहा है बोलने का, पैकअप बेबी। अच्छा उनको आदिति नाम दिया तो भी चलेगा, कैरेक्टर का नाम कुछ भी हो सकता है। चलो अच्छा दो लड़कियां तो नहीं चाहिए ना उधर, ठीक कठिन आ है। चलो रेडी एक्शन। क्या है Wish you a very happy birthday, Diya. I knew it. मैं जानती थी। तुम्हें पता था मुझे चाहिए था। I love you, yaar. I love you too. अब देखना ऐसे कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी की रील्स बनाती हूँ। देखती हूँ लोग मुझे कैसे फॉलो करते हैं। वो तो हो ही तुम इंस्टा की क्वीन। वो तो मैं हूँ, मुझे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है। ओके गुड, अभी जाओ अपने मार्क पे।
क्या होता है जब तुम शूटिंग करोगे ना तो वहाँ पर मार्क है, लाइट सेट है, तो कोशिश करने की कि एक्सप्रेशंस के जरिए ज़्यादा एक्टिंग करने की और मार्क के अकॉर्डिंग कितनी मूवमेंट कर सकती हो उसका ध्यान रखना है। और बहुत सारे आर्टिस्ट आंखें चुराते हैं, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कुछ होगी एक्टर की तो वो क्या है? आंखें। हम नाक में देख के थोड़ी पता चलता है तुम कौन से मूड में हो, आंखें कभी नहीं छुपाने की। तो जब उसने मोबाइल दिखाया ना तो आंखों से पता चलना चाहिए कि तुम बहुत खुश हो गई, एंड देन फिजिकल कुछ एक्शंस, और वो सब डिज़ाइन होने चाहिए। हम स्पॉन्टेनियस भी कर सकते हैं, बट तुम नए खिलाड़ी हो, धीरे 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 जब एक्सपर्ट हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे, तभी बायात का खेल हो जाएगा। ओके सो अच्छा किया प्रशिक आदिति ने भी अच्छा किया, प्रशिक ने भी अच्छा किया, तीनों के लिए जोरदार। और हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो हमेशा से अपना चैनल देखते हैं, कभी कभी वो सांस भी कभी बहू थी बोलते हैं ना, वैसे आप भी कभी सब्सक्राइबर थे। तो बस उन्हीं का चेहरा मेरे सामने यहाँ बैठा हुआ है, उनके लिए जोरदार तालियां। आज का लाइव आपको कैसे लगा, आपने एंजॉय किया, वो सब कुछ फीडबैक कमेंट्स में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल करें 8169080394। 3 मंथ का बेसिक कोर्स है, 6 मंथ का एडवांस कोर्स है, इस नंबर पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। नहीं आ सकते घर बैठे सीखिए, आ सकते हैं यहाँ पर आकर हमारे साथ इस माहौल में सीखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय करो।